साथियों, अतिशय शिक्षकों की प्रक्रिया में उलझा विभाग राजधानी में ही 100 शिक्षकों पर फैसला अटका। देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग अतिशय शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया में उलझा है। ऐसे में स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजधानी भोपाल में ही करीब 1% अतिथि शिक्षकों पर फैसला अटका है। शिक्षक संगठनों ने विरोध के बाद विभाग ने शिक्षकों से दावे आपत्ति बुलाई थी। जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर 13 अक्टूबर तक इसका परीक्षण किया गया। इसकी मॉनिटरिंग के लिए लोक शिक्षण संचालनालय स्तर से 9 संभागों के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। इनमें से इनके द्वारा 14 से 18 अक्टूबर के बीच दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके दस्तावेज बीओ और संबंधित संकुल प्राचार्य को भेजने शुरू कर दिए। ये अधिकारी दस्तावेजों का परीक्षण कर अपनी टीम के साथ प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपेंगे। बाद में संभागीय समिति प्रकरण का परीक्षण कर ऑर्डर जारी करेगी। समायोजन प्रक्रिया में गलतियों से शिक्षक नाराज। अतिशय समायोजन की प्रक्रिया में ढेरों गलतियां सामने आई हैं। शिक्षकों ने ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए हैं जिनमें शिक्षक कहीं पदस्थ हैं, उन्हें किसी दूसरे स्कूल में पदस्थ बताकर तीसरे स्कूलों में समायोजित कर दिया गया। तो यह थी अतिशय शिक्षकों के संबंध में लेटेस्ट अपडेट। इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।